आज हम मम्मी पापा की रसोई में नान बना रहे हैं, जिसका आटा लगाने के लिए हमें एक कटोरी मैदा और एक कटोरी आटा दोनों की क्वांटिटी बराबर है। ये पे एक चम्मच हम बेकिंग पाउडर लेंगे, पिंच बेकिंग सोडा लेंगे, नमक स्वाद अनुसार मैंने एक चम्मच डाला है, एक चम्मच देसी घी जिसका हम मोइन लगाएंगे, 3 चम्मच दही है ये फ्रेश वाला दही है, और नॉर्मल वाटर के साथ हम पानी लगाएंगे। अब हम सबसे पहले इसका आटा लगा लेते हैं। पानी मिलाने से पहले हमें सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसके बाद ही आटा लगाना है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा लगाएंगे। आटा लगा दिया मैंने, बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाया, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, ये जैसे हम डेली खाना बनाने के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही मैंने आटा लगाया। अब मैं इसको ढक के एक कैसरोल में डाल के और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम इसके नान बनाएंगे। आटे ने रेस्ट कर लिए, अब हम इसको खोल के देखते हैं, और एक बार इस आटे को सबसे पहले हम चिकना कर लें। चिकना करने के बाद हम इसकी पहले लोइयां भी बना लें, फिर हम इसके नान बनाने शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे आटे का कितना अच्छा खमीर निकला है, अब ये इसके नान बहुत अच्छे बनेंगे। लोइयां भी बन गई हैं, थोड़ा सा पानी भी ले लिया मैंने, ये मैदा मैंने डस्ट करने के लिए रखा है जिसके साथ हम बेलेंगे, और अब हम बेलना शुरू करते हैं। वही चकले बेलने पर ही बेलेंगे, थोड़ा सा बैठता डस्ट कर लेते हैं और इसको नान के आकार जैसा बेल लेंगे। ना मोटा ना पतला, मीडियम आकार का करें, और ये अब इसकी बैक साइड पर हम लगाएंगे पानी। और इधर की साइड पर थोड़ी सी धनिया पत्ती लगा देंगे। अब इसकी पानी वाली साइड को नीचे रखें, धनिया पत्ती वाली को ऊपर रखें, और इसको अब हम अच्छे से पकाएंगे। अब इसके चारों तरफ ऐसे बबल्स आ गए, अब इसको ऐसे उल्टा करें और इसको ऐसे धीरे धीरे करके घुमाते हुए, ऐसे तवे को घुमाते हुए ऐसे चारों तरफ से सेक लें।
हमारा शानदार नान कितना बढ़िया सिका है देख सकते हैं आप। अब आप इसको तले से नीचे उतार लें, देख लें दोनों तरफ से कितना बढ़िया सिका है हमारा नान। अब इसके ऊपर आपका घी बटर जो भी मन करे वो आप इसको लगाएं। हमारा शानदार बढ़िया नान बनकर तैयार है। आप मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। देख सकते हैं हमारा कितना सुपर सॉफ्ट खस्ता नान बना, आप भी इसको जरूर ट्राई करें। आज हम बना रहे हैं दाल मखनी, जिसके लिए मैंने ये वाली कटोरी का नाप लिया। इसका जो 3x4 पार्ट है उसके लिए मैंने काले उड़द, ये साबुत वाले काले उड़द हैं वो लिए, और उसका जो 1/4 भाग रह गया उसमें मैंने ये राजमा लिए, जो राजमा की सब्जी हम बनाते हैं ये वही राजमा। इन दोनों को मैंने 3-4 घंटे के लिए अच्छे से सोक करने के बाद अब इसको फ्रेश वाटर में डाल दिया। अब ड्रेन करने के बाद फिर हम इसको सबसे पहले बॉयल करेंगे, तड़के का काम बाद में होगा। टोटल क्वांटिटी 1 कटोरी है, 1 कटोरी है तो अभी मैंने 6 कटोरी पानी उबाला है, क्योंकि दाल मखनी में पानी ज़्यादा लगता है, फिर अगर बाद में ज़रूरत होगी तो हम डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। और इसको बॉयल करते समय दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, काली मिर्च, सौंठ पाउडर और 1 चम्मच देसी घी डाल दें, बस बाकी सब मसाले हम बाद में डालेंगे। बस अब इसको बंद कर दें और इसको स्टीम बनने के बाद हम लो फ्लेम पर 30 मिनट्स तक कुक करेंगे। हमारी दाल मखनी की दाल देखें बिल्कुल एकदम घुल मिल के तैयार हो गई है छौंका लगाने के लिए। इसको मैंने स्टीम बनने के बाद लो फ्लेम पर 30 मिनट्स तक कुक किया है। अब मैं इसका तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाने के लिए अब दाल मखनी है तो उसका तो तड़का फिर देसी घी में ही लगेगा, और जो मैंने गर्म करना रख दिया। और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जीरा, फिर ये अदरक और ये धनिया पत्ती, हरी मिर्च, अदरक के लच्छे, इसे हम सजाएंगे। टमाटो प्यूरी है, अमचूर का पानी है, चाट मसाला, गरम मसाला, सौंठ पाउडर, लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, हींग, ये सारी चीज़ें यूज़ करके अब हम अपनी दाल मखनी बनाते हैं। अब इसमें तेज पत्ता, खड़ी लाल मिर्च, हरी मिर्च और अदरक। स्वाद अनुसार मसाले। अब हम तड़के को तब तक पकाएंगे जब तक ये घी न फूल जाए। तड़का बहुत अच्छे से पक गया। अब इसमें ये अमचूर का पानी और ये जो हमने बॉयल करके रखी है दाल, इसको भी डाल देंगे। बहुत अच्छे से बॉयल आ गया। अब हम इसको फ्लेम को कर देंगे लो और इसको ढक के 5-10 मिनट तक और अच्छे से पकाएंगे, जिससे कि सारी चीज़ों की खुशबू इसके अंदर आ जाए। हमारी दाल मखनी कैसे एकदम मलाई जैसे घुट गई है, बहुत ही शानदार दाल मखनी बनी है। अब हम इसको थोड़ा सा सजाएंगे जिससे कि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे और खाने वालों को मज़ा आए।
थोड़े से डाले अदरक के लच्छे और हरी मिर्च। अब डालें धनिया पत्ती और अब दाल मखनी की जान मक्खन। ये मेरा घर का बना हुआ वाइट मक्खन है, इसकी मैंने रेसिपी भी शेयर की हुई है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। हमारी शानदार दाल मखनी बनकर तैयार है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और मम्मी पापा की रसोई को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।